चलो तो फिर आज अपन नीचे का पार्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो नीचे का पार्ट एक बार सुन लो, मैं बना रहा हूँ फ्री हैंड थोड़ा, ठीक है। तुम लोग को बनाना है मेजरमेंट कैसे, जैसे ये है मान, ये 1 सेंटीमीटर है इस लाइन से, ठीक है। तो ये पॉइंट कौन सा हुआ, ये पॉइंट हुआ ये वाला, तो इससे 1 सेंटीमीटर रहा ये, फिर आया ये वाला पॉइंट 11 लाइन पे, तो ये कितना आया 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो तुम्हारे इस पॉइंट से कितना आया राइट, कितना राइट आया 1.1 सेंटीमीटर, तुमने बना दिया 1.1 सेंटीमीटर। फिर यहाँ से आया 1.1 सेंटीमीटर, अब दोनों ये 1.1 है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि ये सीधा आएगा, नहीं ये अंदर की तरफ आ रहा है फिर बाहर की तरफ मुड़ रहा है। तो इसे मैं बताता हूँ कैसे कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो इसे देखो, ये आया धीरे धीरे ऐसे, तुमने अंदर की तरफ कर्व किया, कर्व किया, इधर पे आते आते बाहर की तरफ आ, कहाँ तक लाना है, यहाँ तक लाते लाते ऐसे नीचे की तरफ छोड़ दिया, फिर इधर पे आए। तो यहाँ से एक बात ध्यान देखना, गलती क्या करते हो, डायरेक्ट यहाँ से ले आते, नहीं यहाँ से नहीं, या यहाँ से ले आते, नहीं थोड़ा इसके ऊपर जाए तो थोड़ा लेफ्ट, हल्के से यहाँ से कर्व के साथ आएगा और कर्व इधर नहीं ज्वाइन कर, देख सकते हो कर्व इसके ऊपर आ जाएगा, इसके कर्व इसके ऊपर ज्वाइन होगा और नीचे की तरफ कर्व आएगा। फिर इधर पे आए, ये कितना राइट है, ये है 1 सेंटीमीटर, इसके नीचे वाला है 1.4, तो ये रहा 1 सेंटीमीटर, इसके नीचे वाला है 1.4। तो यहाँ आए, अब ऐसा नहीं कि स्ट्रेट लाइन, नहीं ये देख सकते हो थोड़ा अंदर की तरफ, इससे ज्वाइन करने से पहले बाहर आ गए, बाहर बाहर आते आते ये नीचे की तरफ आ गए। इस साइड वाला देखो, इस साइड वाला यहाँ से कर्व आया दोबारा, यहाँ पे एंड हुआ, यहाँ से दोबारा आया, इस पॉइंट को टच किया और यहाँ आया कर्व और ये नीचे की तरफ आ गया, ऐसे कर्व होते हुए हल्का सा। तुम लोग को भी ऐसे ही बनाना है, ठीक है। अभी देख लो एक बार, सुनो ये पूरा हिस्सा देख लो, आराम से बना लोगे, बस एक बार मेजरमेंट्स पे ध्यान देना, कर्व गलती क्या होती, सब स्ट्रेट लाइन बनाने बैठ जाते, यहाँ से आए, यहाँ से पहले कर्व आएगा, कैसे आएगा, ऐसे धीरे धीरे नीचे की तरफ, ये देख सकते हो, फिर ये कर्व आया। ये जो मैं फ्री हैंड बना रहा हूँ, तुम लोग को मेजरमेंट के साथ बनाना है, फ्री हैंड नहीं बन पा रहा है, मेजरमेंट के साथ बनाओ, प्रेफर अभी स्केल करो, ओके आराम से। ये आया, देख सकते हो शोल्डर आराम से नीचे जा रहा है। फिर ये वाले आते, ये वाले आए, ये कर्व यहाँ से चालू हो रहा और ऐसे नीचे की तरफ, फिर ये एक स्ट्रेट लाइन आई, हल्की सी कर्व हुआ और यहाँ से जैसे कर्व आते आते इस पॉइंट्स के बगल से निकला थोड़ा, ये जो कर्व सारे ना इसके ये बना रहे। फिर ये देखा मैंने यहाँ से और ये ऊपर की तरफ गया, ये ऐसे कर्व आ रहा है, ठीक है। जितनी जो कर्व्स दिख रहे ना ये वाले, जितने बना पा रहे हो उतने बनाओ, ठीक है। फिर ये वाला आया, जितने हैं उतने सब बना लिए, ओके इस तरीके से आया, ये वाई शेप दिख रहा, तो मैंने ये कर्व करते हुए ये वाई शेप बना दिया, इस तरीके से ये कर्व करते हुए ये मेरा वाई शेप कंप्लीट हो गया, ये हल्का सा नीचे आया और फिर ये ऊपर आके कर्व, ठीक है। ये बहुत ऊपर मत कर देना, एक काम सुनना, बहुत ऊपर मत कर देना कि एकदम बहुत एक ब्लॉक ऊपर आ गया, गलती यही करते हो तुम, फिर चेहरे भी एक आध ब्लॉक ऊपर नीचे हो जाते हैं या फिर चपटे हो जाते हैं, वो नहीं करना। हल्का सा देखो, चेहरा बना लिया, ये बनाने में उतनी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये बस हल्का सा ये कर्व आया यहाँ की तरफ, यहाँ से इस पॉइंट से कर्व होते हुए आया यहाँ की तरफ, ठीक है। ये कर्व नीचे नीचे आया, इस वाई पे जुड़ा और ऐसे यहाँ निकल, ठीक है। बसता है बस ये जो दो वी शेप बन रहा है ना यहाँ से, ऐसे आया यहाँ से नीचे की, ये नीचे की तरफ वी शेप आया, फिर ऐसे ऊपर की तरफ और फिर नीचे की तरफ वापस, इस तरीके से इसकी शोल्डर और इसके शर्ट जो है वो बन गए। एक चीज और बचती है, जो कॉलर बोन दिख रही है ना इसकी, यहाँ से आती हुई कैसी दिख रही है, यहाँ से ऐसे थोड़ी उठती हुई, ये ड्रॉ नहीं करो, ऐसे हल्का हल्का इतना हिस्सा ऐसे शेड कर लो, यहाँ से भी है हल्का हल्का इस तरीके से शेड कर लो, ओके। ये जो हल्का हल्का यहाँ यहाँ दिख रहा है डार्क डार्क पार्ट, वो भी थोड़ा शेड करो, थोड़ा यहाँ यहाँ दिख रहा, ओके इतना कर लो। इतना करने के बाद मुझे दिखा देना और बाकी अपन इसके बाद बाल करते हैं, तो पहले इतना कर लो आराम से, बाल करना है बाल को, राइट साइड वाले बनाते हैं पहले, फिर
लेफ्ट साइड वाले बनाएंगे। तो राइट साइड वाले बनाने के लिए यहाँ से देख सकते हो कर्व आ रहा है, ये वाला जो कर्व दिख रहा है ना, इसको टारगेट सबसे पहले ये आया और ये आके ऊपर चला गया, यहाँ टेप लगाने बोला था मैंने। और यहाँ से जो आउटलाइन आ रही है, तुम्हारा दो ऑप्शन रहते, तो आउटलाइन या आउटलाइन बना लो, बहुत गंदा लगता है बताऊँ तो, वो बड़ा गंदा है। उसका क्या सोल्यूशन है, एक स्ट्रैंड बना, जैसे एक हिस्सा दिख रहा, एक हिस्सा दिख रहा, एक हिस्सा दिख रहा, इस तरीके से बनाओ। क्या रहता, ये गया एक और हिस्सा, ये इस पॉइंट पे आया, तो ये दोनों जो है एक कर्व के साथ जुड़े। फिर यहाँ से देखो, यहाँ से होते हुए यहाँ पहुंचा है, तो ये भी दो चार ऐसे कर्व के साथ यहाँ जुड़ गया। फिर यहाँ से देखो, इस पॉइंट के ऊपर उठते हुए एक यहाँ गया। देखो फ्री हैंड नहीं बनाना, तुम लोग को मेजरमेंट लेना कहाँ कहाँ कट कर, ऐसे कैसे लेना, जैसे ये है 7.2 है, 7.2 से कितने राइट है, ये है 1.3 सेंटीमीटर राइट, तो मैंने यहाँ 1.3 मार्क किया। फिर उसके बाद ये कितने नीचे आ रहा है, उससे ये 0.5 होगा, ये 0.5 है, उससे 0.5 नीचे आ रहा, इस तरीके से मार्क करना। और ये देखना कि कहाँ से स्टार्ट हो रही, गलती क्या करोगे, ये बाल यहाँ से स्टार्ट हो के इसको टच करते हुए यहाँ आ रहा है, ठीक है, तुम क्या करोगे यहाँ से निकाल दोगे, वो बालों का गलत हो जाएगा फ्लो, ठीक है, ये बालों के फ्लो के लिए आ रहा है। अभी यहाँ से क्या बोला मैंने, ये कर्व आएगा यहाँ नीचे की तरफ, इस पॉइंट से निकलता हूँ, ठीक है, फिर यहाँ ऐसे कर्व के साथ, अपवर्ड फेसिंग कर्व के साथ ये ज्वाइन, यहाँ से जो कर्व है वो इस पॉइंट से निकलता हुआ ऐसे धीरे यहाँ ज्वाइन हो गया। पहले फ्लो देखो, फिर यहाँ से निकला ये नीचे की तरफ आ गया ऐसे, ठीक है, यहाँ से कर्व आया ऐसे नीचे की तरफ आ गया, ऐसे कर्व हो गया, देख सकते हो ये बाल कर्व। अब तुम्हें जो बाल ऐसे आएंगे यहाँ बनाओगे ऐसे कर्व होते हुए, ये बना ये कर्व होते हुए, ये आए कर्व होते हुए, ये बाल आ रहे हैं ऐसे नीचे कर्व होते हुए, यहाँ आया कर्व होते हुए आ। देखो जितना एक्यूरेट रख सकते हो पिक्चर एक्यूरेट उतना रख। अब यहाँ ये देखो ये कान है, ये कान दिख रहे हैं यहाँ पे, उतने नहीं दिख रहे लेकिन है यहाँ, कहाँ से है, लाइन नंबर 8 के नीचे से, ठीक है, तो लाइन नंबर 8 यहाँ हुई, तुम्हें यहाँ से कर्व करते हुए, मैं अपनी रेफरेंस में नहीं दिख रहा हूँ, मेरे से बना लेना, ऐसे कर्व करते हुए यहाँ पे कान, ठीक है, ये ऊपर से बाल जा रहे हैं ना एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा अलग अलग, वो अभी नहीं बना, ठीक है, ये जो बस जो पीछे से बाल जाके यहाँ ज्वाइन हो गए ऐसे, ये बनाओ, ये जो एक्स्ट्रा निकल रहे हैं वो नहीं बनाओ, ये जो बाल यहाँ से ऐसे जा रहे हैं यहाँ, ये हल्का सा स्ट्रेट, वो बना लो, जो बिखर रहे हैं बाल अभी से नहीं बने, क्योंकि तुम्हें ग्रिड रेज करनी पड़ेगी, वो बाल भी रेज, तो वो बाद में बन जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, इतना बना लो। तो अब अपन को लेफ्ट साइड के बाल और ये हाथ बनाना है, तो अपन लेफ्ट साइड के बाल बनाते हैं, तो लेफ्ट साइड के बाल देख सकते हो ये अलग से एक जा रहा है, ठीक है, तो ये जो अलग से जाता हुआ दिख रहा है ये यहाँ तक है, तो यहाँ तक एक ऐसे वो बना लो, बस इधर बना के ऐसे छोड़ दो। अब ये जो बाल आ रहे हैं कहाँ से आ रहे हैं, यहाँ से ऐसे, ठीक है, यहाँ से आया, यहाँ से कर्व होते होते यहाँ मिक्स हो गया, यहाँ से आया यहाँ कर्व हुआ और यहाँ मिक्स हो गया, ठीक है, यहाँ से आया यहाँ कर्व हुआ, यहाँ से आया यहाँ कर्व। मैं कर्व क्यों बना रहा हूँ, तो ताकि अपन को बाद में बालों की एक अच्छी डायरेक्शन मिले, ओके, इस तरीके से। फिर एक और कर्व आएगा यहाँ पे, ठीक है, यहाँ अपन को बहुत डायरेक्शन ऐसे समझ में नहीं आ रही, लेकिन ध्यान से देखो ये जो बाल आ रहा है ये ऐसे आया नीचे, ठीक है, और 7 नंबर लाइन से बाहर की तरफ चला, जो बालों की स्ट्रैंड रहता ना हेयर स्ट्रैंड, इस डायरेक्शन में नीचे आया और ये पीछे की तरफ चला, इसका एक हेयर का हिस्सा इतना आया नीचे तक, यहाँ आया 3 नंबर लाइन के, यहाँ से एक कर्व आया, यहाँ से देखो फ्री हैंड नहीं बन पा रहा, कोई परेशानी नहीं है, यहाँ तक ही ला, यहाँ से पहले ईयर्स बना, देखो ये फ्लो का काम, कौन से लाइन नंबर 8 के नीचे, ठीक है, लाइन नंबर 8 के नीचे से धीरे से ऐसे कर्व बनाओ, और ये कर्व का जो जा रहा है इस तरीके से ये देख सकते हो, यहाँ से जा रहा है यहाँ कर्व, ठीक है, ये आया, तो अपने बाल यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं, जो हल्का सा एक दिख रहा है ना कार इयररिंग पहनी है, ओवल शेप इयररिंग बना दी, देखो हाथ कब कब आने नहीं चाहिए, इस तरीके से तुमने इयररिंग बना ली, वही सेम चीज यहाँ करो, बाद में अपन व्हाइट जेल पेन या मोनोफिनो इरेजर की मदद से और अच्छा कर लेंगे, से ना किया अपन ने हल्के से यहाँ से बाल निकलने,
वो बनाए और ये अपने बालों का पार्ट कंप्लीट हो जाता है। हाथ का बचता है, हाथ का क्या है, लाइन नंबर 4 के नीचे से आया हाथ ऐसे कर्व होते हुए यहाँ ज्वाइन हो गया। लाइन नंबर 2 के नीचे से आया हाथ यहाँ से कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, अब इधर से डिस्टेंस देखो ये आया, थोड़ा ऊपर उठा, स्ट्रेट आया और फिर एक कर्व के साथ ऊपर चला गया ऐसे, ठीक है। तो ये अपना आउटलाइन जो है पूरे चेहरे की बाल की बन जाती है, बचता है अंदर का। पहले इतना बना लो ताकि अभी अपन अंदर की आईज वगैरह स्टार्ट करें, डाउट है तो पूछ। लिप्स बनाने अब अपन को, लिप्स बनाने के लिए पहले ये देखो, लिप्स बनाने के लिए जहां पे आएगा अपना, तो एक चीज देख लो लिप्स अपना इस ब्लॉक के अंदर आ रहा है 8 से लेके 9 तक, तो मैं अब ये देखना जरूरी है कि ये कहां से कहां तक है। टिप तो देख लो थोड़ा इस पॉइंट की है, थोड़े राइट मेरी टिप ये है, अपनी टिप अपने हिसाब से देखना। तो ये आ रहा 1 सेंटीमीटर, मैं यहाँ लगाऊंगा कौन सी 5 नंबर लाइन पे 1 सेंटीमीटर पे मार्क, और कितना लेफ्ट में क्रॉस कर रहा है इसको, तो वो आया 0.9 सेंटीमीटर यहाँ पे। अब ये कितना नीचे है देखो, जो मोटे मोटे पॉइंट्स है वो लगा लो पहले, ये आया 0.9 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर ये आया 1 सेंटीमीटर, देखो 0.1 पॉइंट का ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, वो थोड़े ही रहता है। एक चीज ध्यान रखना, बेस यहाँ थोड़ा ही टच हो, ऐसा नहीं कि तुम लोग फ्लैट कर। फिर ये जो बीच में जो है जहाँ लाइंस को कट कर, एक ये अपर लिप का हो गया वो कितना हुआ 0.6 हुआ, नीचे वाले लाइन से अपर लोअर लिप का पार्ट 1 पॉइंट कितना हुआ, ये 3 हुआ, तो 0.6 और नीचे से 1.3 इतना हल्के से दांत दिख रहे हैं। तब देखना बहुत ऊपर नहीं जा रहे है अपना बीच, हल्का सा यहाँ से आ रहा है, ठीक है, ऐसे ऊपर गया, बस यहीं से वापस नीचे मुड़ना चालू हो गया, हल्का सा ऊपर गया और वापस अब यहीं से नीचे मुड़ना चालू हो गया, ठीक है। तो ये अपना ध्यान से देखो, जरा मैं और जूम कर दे रहा हूँ, ठीक है। पॉइंट्स निकल आए अब अपने, इससे ज्यादा पॉइंट्स की जरूरत भी नहीं है अपन को, अब अपन को शेप की जरूरत है। तो वो शेप ऐसे आएगा, यहाँ से तुम ले आए ऐसे धीरे से कर्व करते हुए यहाँ ऐसे जोड़ दो, देखो फ्लो पे ध्यान दो, मेरे डिफरेंस के फ्लो पे ध्यान दो, ऐसे आया धीरे से यहाँ ज्वाइन हो गया इस तरीके से, ठीक है। अपर लिप के नीचे वाली लाइन का क्या है, ऐसे कर्व बनाओ एक, ये दिख रहा है ना तुम्हें, इसे टेक्सचर से दिख रहा है, इसी तरीके से बनाओ, यहाँ से लाओ और ऐसे ऊपर की तरफ, यहाँ से लाओ ऊपर की तरफ, अब हल्का सा एक कर्व ले जाओ और यहाँ ले जाके ऐसे जोड़ दो, सेम वही चीज करो, ऐसे कर्व करो और ऐसे धीरे से ले जाके यहाँ जोड़ दो, ठीक है। स्ट्रेट लाइन नहीं बनाना अपन को, एक कर्व बनाना है। अब लोअर लिप देखो जरा, ध्यान पूरा यहाँ दो, फ्लो में है ये, हल्का सा एक कर्व के साथ है यहाँ, तो ये कर्व इस लाइन को टच कर रहा है और अपन जैसे ही आगे बढ़े ये यहाँ पे आ गया, ठीक है, ये यहां पे आ गया ऐसे, ठीक है। अभी भी अपना एक लोअर लिप बहुत बड़ा लग रहा है, लेकिन अपना लोअर लिप है नहीं इतना, लोअर लिप है यहां तक, थोड़ा एक गैप आ रहा है और ये यहां से इस कर्व के साथ यहां ज्वाइन हो जा रहा है, वही सेम चीज इस कर्व के साथ यहां ज्वाइन हो जा रहा है, हल्के से सेंटर में दो दांत दिख रहा है, तो इस बीच में एक पार्टीशन सा बना लेना हल्का सा, ठीक है। इस तरीके से अपने लिप्स बन जाते हैं, जो टेक अभी अपन को बहुत एकदम नहीं दिख रहे होंगे, हल्की आउटलाइन ही है, ठीक है। अपन ने इस तरीके से अंदर में ये जो टेक्सचर है वो भी आएंगे, वो अभी दिए नहीं है अपन ने, वो अपन बाद में जब शेडिंग करेंगे उसके साथ दे देंगे, हल्के हल्के चाहो तो अभी दे सकते हो ताकि थोड़ा और अच्छा लगने लगे अपन को ये, ठीक है। तो इतना हो गया अपना, अपन नोज नेक्स्ट क्लास में करते हैं, पहले अभी इतना बना लूँ ताकि आज के लिए इतना काफ़ी है, ठीक है।